ये जितना भी एरिया आप सामने देख रहे हैं ये सारा का सारा एन ब्लॉक है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप के सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। ऑलराइट, आज दिन है जनाब 20 जुलाई 2021 और काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे गर्म मौसम गुजारने के बाद बारिश हुई है बेतहाशा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई। बहरहाल ये वीडियो उन अफराद के लिए है, उन हजरात के लिए है जिन्होंने मुझे कॉल की थी कि एन ब्लॉक में जा कर के कोई फ्रेश अपडेट कर दें। तो बहरहाल आज हम आपको लेकर के जा रहे हैं बैरियर टाउन फेज 8 रावलपिंडी के सेक्टर एन में। एन फॉर नेशनल, एन फॉर नेशन। और चलते हैं देखते हैं, क्योंकि आज से तकरीबन हाल कोई 8 या 9 महीने पहले या 6 या 7 महीने पहले, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं यहाँ की वीडियो मैंने बना करके अपलोड की थी। तो उन्हीं हजरात की कॉल्स आई हुई थी कि जी आप नई फ्रेश अपडेट कर दें कि जी क्या पोजीशन है, ग्राउंड यकीनी तौर पर उनके प्लॉट होंगे जो देखना चाह रहे होंगे आउट ऑफ कंट्री। तो बहरहाल जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे 10 मरले के ही सारे प्लॉट होते हैं जिनका साइज़ होता है 35x70 और 50 फुट की यहाँ पर स्ट्रीट्स होती हैं। कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 95% यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका हुआ है, सर्विसेज यहाँ पर मौजूद हैं और पिछले साल की निस्बत यहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन में भी कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। लोग यहाँ पे घर बना भी रहे हैं और यकीनी तौर पे परचेज़ करने के लिए रिक्वायरमेंट्स भी मार्केट में होती हैं। टेक्निकली देखा जाए तो वही बात है कि 10 मरले का ये आखिरी ब्लॉक है फेज़ 8 प्रॉपर का बैरियर टाउन रावलपिंडी के अंदर। इसके बाद फिर वही रोज़ गार्डन शुरू हो जाता है और रोज़ गार्डन के बाद फिर फेज़ 8 की एक्सटेंशन शुरू हो जाती है। और ये जो एन ब्लॉक है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी एक तरफ एल ब्लॉक है, इसकी बैक साइड पे जो है वो के ब्लॉक का 8 मरले का एरिया लगता है जो कि कुछ डेवलप है कुछ नॉन डेवलप है। एक साइड पे रोज़ गार्डन है यानी अवामी विलास 3 और इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो दरिया समा गुजर रहा है जो कि वाकई दरिया है, कुछ लोग कहते हैं जी नाला है लेकिन अभी आप देख रहे होंगे ये सामने से जो कुछ बह रहा है ये दरिया है। वो एक अलग बात है कि हमने अपनी दरियाओं के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं लेकिन पानी अपना रास्ता ख़ुद बनाता है। तो बहरहाल ये इस ब्लॉक की अपडेट है, काफ़ी बेहतर पोजीशन पे हैं लोग, यहाँ पे तेज़ी से घर बना रहे हैं, तेज़ी से घर बन रहे हैं। गो के अगर टेक्निकली देखा जाए तो क्यों ब्लॉक कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ब्लॉक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे पेस रीज़नेबल है, लोग यहाँ पर आकर के घर बना रहे हैं और काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और मज़े की बात यह कि पूरा ब्लॉक ये हाइट पर है। अप्रोचेस की बात की जाए तो डेफिनेटली रूट्स मिलेनियम कैंपस से यहाँ तक का जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो कुछ 4-1 किलोमीटर का गालबन पड़ता है और कमर्शियल एक्टिविटी डेफिनेटली अभी इस एरिया के अंदर उस तरह नहीं शुरू हुई। मस्जिद, पार्क और काफ़ी सारी सर्विसेज जो है वो फ़िलहाल होल्ड पर हैं। तो बहरहाल ये एक अपडेट है जो कि मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ढेर सारा अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। सेल परचेज जनरल क्वेरी के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।